ओम शांति। आप सबका इस परिसर में कोटि कोटि अभिनंदन है। समाज में, संसार में अगर कहा जाए तो हमारे चिकित्सक बंधुओं का स्थान भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है। इसको आप एग्री करते होंगे, क्योंकि मरीज जब बहुत परेशान होता है, इंसान फड़फड़ा के आता है, तो बस एक ही शब्द होता है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। वो नहीं समझ पा रहा है कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे भाई, इलाज ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके दो बोल भी उसको राहत दे देते हैं। अगर उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया कि देख भाई मैं ये कर दूँगा, चिंता मत कर, तो उसके रोते हुए चेहरे पर, जस्ट अभी हम लोग आए, एक फ़ोन आया और वो बहन बहुत रो रही थी, क्या हुआ है? बोला साहब वो हमारी मदर की किडनी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जॉइंटिस बढ़ गया है, दीदी कुछ करिए। तो मैंने कहा उनको कह दो सीधे सर गंगाराम में ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने जो भी पर्याप्त मदद करनी थी बहन की, उनको जवाब दिया मदद की। तो जब कुछ दिखाई नहीं देता, चारों ओर अंधेरा होता है, तो डॉक्टर का दर्द तो दिखाई देता है। तो इस दुनिया में आपका नंबर भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है, और आप जब राहत भरे दो बोल बोल देते हैं, तो इंसान को साहस भी आ जाता है, विश्वास भी आ जाता है, खुशी भी लौट आती है कि अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा है ठीक हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर्स को टेंशन किस बात का, ये तनाव से खुशी की ओर इन्होंने विषय रखा। तो मुझे याद आया कि प्रयाग में एक सेवा केंद्र पर ही बैठे हुए थे, तो वहाँ एक बच्चे से उन्होंने पूछा तुम क्या बनोगे, तो उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं बनूँगा, डॉक्टर ही बनूँगा। तो वो मैडम भी डॉक्टर थी, IMA की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा क्या रखा है डॉक्टर बनने में, क्यों डॉक्टर बनेगा? बोला नहीं मैं मैडम बनूंगा तो डॉक्टर ही। उन्होंने कहा कोई लाइफ नहीं रह जाती है, और मैं चुपचाप मूक श्रोता की तरह उनका मुंह निहार रही थी कि क्या कह रही हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर थी डॉक्टर अंजू गुप्ता, और वो बार बार उसको क्या, देखो ना समय से खाना खा पाओगे, न अपने दायित्वों को समय दे पाओगे, न परिवार को समय दे पाओगे। तो उन्होंने खाका खींचा, उन्होंने बताया कि तुम ये मत सोचो कि डॉक्टर का जीवन बड़ा मौज का जीवन होता है, बहुत मस्त होता है, बढ़िया बड़ी गाड़ियों में चलता है। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग आते हैं लौट करके अनेकों बार, और तुरंत फ़ोन आ जाता है कि मैडम इमरजेंसी है। तो बोला अभी अभी चले ही आ रहे हैं, लेकिन लौटना पड़ता है। कई बार खाने की थाली सामने होती है, दो ग्रास खाए हैं, लेकिन मैडम आप चली आइए, अभी चली आइए, जाना पड़ता है। बोला कई बार हम लोग अरेंज कर लेते हैं कोई पिकनिक, कोई प्रोग्राम, हम वहाँ चलेंगे बच्चों को लेके, और मालूम पड़ा कि नहीं जा पा रहे हैं, कुछ खास हो गया है। तो ऐसी बहुत सी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, और इट इज़ ट्रू, सत्य है ये कि ऐसा होता है। तो अपने को कोई व्यक्तिगत वजह से तनाव नहीं होता, लेकिन हो रही घटनाओं से, हो रही दुर्घटनाओं से बहुत कुछ होता है। समाज में आखिर इंसान तो हम भी हैं ना, ऐसा नहीं है। अभी जब कोरोना आया था तो हमारे चिकित्सकों ने कितना क्या नहीं किया, बहुत कुछ त्याग किया, रातों की नींद से लेके परिवार का मुंह तक देखना गवारा नहीं किया कि हमको कुछ भी हो, हमारे बच्चों को नहीं हो, गाड़ियों में ही पड़े रहे। तो देवताओं की तरह लोगों ने बाद में उनको पूज्य बना करके उनका अभिनंदन किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो एक तरफ तनाव देती हैं, एक तरफ मानवता की रक्षा का वचन ले लेती हैं, बहुत कुछ होता है। तो तनाव जिंदगी में कहीं ना कहीं से आता है, और सच पूछिए आज के लाइफ में, भागते हुए जीवन में, बच्चों तक को टेंशन होता है,
बच्चे भी कहते हैं मम्मी टेंशन हो रहा है, क्या बोल दिया आपने, कॉलेज जाना है, बैग लगाना है, ये करना है, होमवर्क करना है, उनको भी टेंशन है, वो भी ये भाषा समझ गए हैं कि टेंशन होता है। तो ये जो टेंशन है एक्चुअली अगर हम इसके पीछे जाएं कि ये शुरू कहाँ से होता है, होता कहाँ से है, तो आप अगर पाइएगा पहली चीज़ है, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपको तो कुछ बताना ही नहीं है, न जाने कितने पेशेंट आपके पास आकर रोज टकराते होंगे इस तरह के। तो पहली चीज़ जो होती है वो इम्प्रेशन, सबसे पहली चीज़ जो प्रवेश करती है हमारे अंदर वो है इम्प्रेशन। अब वो इम्प्रेशन किसी की गाड़ी का, किसी के बंगले का, किसी की कोठी का, किसी की बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस का, किसी को फुर्सत ही नहीं है, तो बहुत अच्छा सर्जन है, अरे मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, पढ़ने में कुछ भी नहीं था, आज उसका इतना नाम कैसे हो गया। इम्प्रेशन, हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, और जब प्रभाव में आते हैं तो निसंदेह पीछे से डिप्रेशन चला आता है। जितनी भी वस्तुओं का, व्यक्ति का, वैभव का अथवा घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और उस प्रभाव को लेकर के जितना चिंतन चलता है उतना डिप्रेशन हमारे मन के अंदर घर करता जाता है। पहले तो हम कोशिश करते हैं, डिप्रेशन के साथ रिप्रेशन भी आता है, जैसी शैली है जीवन की। कभी कभी तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अच्छा खींचो इसको, देखो कहाँ से क्या होता है, थोड़ा इसकी लेग पुलिंग करो। तो आप सब ने ही सुना होगा वो कि एक बार कुछ केकड़े समुद्र सिक्के ज़रिए जा रहे थे, और वो टोकरा जिसमें रखे थे वो खुला हुआ था, तो कैप्टन ने बोला कि भाई तुमने बुक भी किया, सामान भेज भी रहे हो, और ये खुला हुआ है, अगर पूरा माल नहीं पहुंचा तो तुम हमको बोलोगे। बोला डॉक्टर साहब चिंता नहीं, कोई बात नहीं, ये इंडिया के केकड़े हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो रिप्रेशन है, माने खींचो देखा जाएगा, नहीं तो रिग्रेशन मन के अंदर, बोला किसी तरह से येन केन प्रकारेण देख लेते हैं इसको। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, रिग्रेशन होता है, कई बार डाइग्रेशन भी होता है। हम जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ से ये हो रहा है, ज़रा इसकी बैक हिस्ट्री में जाओ, ज़रा इसके फादर ग्रैंडफादर फोर फादर मतलब उधर चलो, या इसी के उसमें चलो, क्या है, कैसे हो गया ये सब इतनी जल्दी। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और ये तनाव की वजह बन जाती हैं। लेकिन हम आज यहाँ बैठे हैं, वजह तो आप भी बहुत जानते होंगे, तनाव से मुक्ति कैसे पाएं, खुशी की ओर कैसे बढ़ें। तो मुक्ति पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप ही जैसे महानुभाव के पास एक अच्छा खासा ऑफिसर गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब परेशान हो गया हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, कुछ कीजिए आप। बोले क्या हुआ है? बोला रात को ब्रीफकेस भर के घर लाना पड़ता है और सुबह उठता हूँ फिर शुरू हो जाता हूँ, और ऑफिस जाते जाते तक काम करता हूँ, मेरा काम ख़त्म नहीं होता, ऑफिस में कर नहीं पाता हूँ, मुझे टेंशन होती है। और एक अकेला तो बोले भाई बांट दो ना काम को, क्या ज़रूरत है तुम अकेले ढो रहे हो। बोला नहीं, वो दूसरे लोग कर नहीं पाते, वो मुझे ही करना पड़ेगा, परफेक्शन नहीं आएगा। बोले अच्छा, और सुनाता रहो। बोले ठीक है, दो काम करो, करोगे? बोले बताइए आया किस लिए हूँ। बोला एक तो रोज दो घंटे लंबी सैर पे जाओ, और सात दिन में एक दिन आधा दिन की छुट्टी ले लो, कब्रिस्तान जाओ। तो उन्होंने कहा ये क्या, अरे मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई दवा लिख देंगे, मेरा ये टेंशन दूर हो जाएगा। तो बोले भाई मैं तुम्हें ये दवाई लिख रहा हूँ, समझो। तो बोला ये जाने से क्या होगा लंबी सैर पे? बोले थोड़ा शांति आएगी, लंबी लंबी सांसें लेना, कुछ स्वास्थ्य बढ़ेगा, वरना ये सब खो दोगे। बोला चलो वो तो बात समझ में आती है टहलने वाली, लेकिन ये जो कब्रिस्तान वाली बात बताई आपने,
वहाँ जाके क्या होगा? बोला वहाँ जाओ, जाके देखो, घूमो, थोड़ी देर वहाँ घूमो, आधे दिन के लिए तो कह रहा हूँ, कहीं बैठना किसी जगह, घूमना। तो बोला मगर होगा क्या? बोले वहाँ नेम प्लेटें लगी हुई हैं, वो जिन लोगों की कब्र है, और वो भी तुम्हारी तरह बहुत दौड़ धूप में बिजी थे, बहुत बिजी थे। एक दिन चले गए, बोला अभी क्या है, वहाँ केवल नाम खुदा हुआ है। दुनिया तो आज भी चल रही है ना, उनके बिना भी चल रही है। तो बहुत बार क्या होता है, हम कर लेंगे, हम ये करेंगे, हमारे बिना होगा ही नहीं, ये सब हमारे सर पे ही है। जी नहीं, आपके सर पे नहीं है, आप भूल जाइए कि आपके सर पे है। आप उसको अच्छी तरह प्लानिंग करके दो चार को बांटिए, और होगा क्या कि वो काम जब चार हाथ लगेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। हमें फेथ नहीं है, फेथ रखना पड़ता है। बेशक कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, वो समय पे नहीं करता, तो हमको लगता है कैसे होगा। हम लोगों को भी लगता है, ऐसा नहीं कि आप ही को लगता होगा, हम लोग भी किसी को काम सौंपते हैं, एक को सौंपते हैं, दूसरे को पीछे लगा देते हैं, देखना कहाँ तक पहुँची वो बात, सारे गेट बने कि नहीं बने। तो ज़्यादा जोशीले जो लोग होते हैं ना, खुद ही रिक्शा किया और चल दिए देखने कि कितने बने हैं। एक रैली आने वाली थी हमारे यहाँ 85 में, तो ऐसा होता है कि हम समझते हैं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन सचमुच ये दुनिया रहेगी हमारे होते भी और हमारे जाने के बाद भी। तो हमें समझना है कि हम कैसे करें जो हमको ना टेंशन हो, ना डिप्रेशन हो, हाँ, और हमारा जीवन भी सहज रहे, सरल रहे। एक्चुअली तो हमने अपनी सहजता और सरलता ही खो दी है बाह्य जीवन के रखरखाव में। आप सोचिए कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि कितना सहज जीते थे, कहीं कुछ नहीं था, अरण्य जीवन था, जंगल में रहना, फल फूल खाना, मस्त रहना, हाँ। और जो राजघराने थे वो जाके वहाँ सिजदा करते थे, झुकते थे कि महाराज समस्या आ गई है, इसका समाधान कर दीजिए। तो यहाँ का जो हिंदुस्तान का राजा होता था वो भी वहाँ जाके नमन करता था। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन आज ना वायु वो रही, ना अन्न वो रहा, ना पृथ्वी वो रही, न प्रकाश हो रहा। आज हम कहें कि हाँ साहब हम जी लेंगे, लेकिन नहीं, हर पल प्रदूषण मौजूद है, हर पल प्रदूषण मौजूद है। आज आप देख रहे होंगे, वही मैं बार बार सोचती हूँ कि आपको क्या बताऊँ, ये तो कॉमन है। इधर इस दशक के अंदर बहुत ज़्यादा लीवर केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीवर केसेस आ रहे हैं। और ये लीवर केसेस क्यों आ रहे हैं, आप तो तात्कालिक कारण खोजते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर देखिए तो जिन चीज़ों को आप उसको बताते थे पेशेंट को कि भाई तुम ये फ्रूट्स ले लेना, तुम ये खाना, तुम ये नहीं खाना, तुम ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, बट नाउ यू कांट से, कैसे कहेंगे आप ये खाना ये नहीं खाना। इतना पेस्टिसाइड है, इतना केमिकल्स हैं फ्रूट्स के ऊपर, कहाँ लोग कहते थे कि चक्कू नहीं लगाना, तुम एप्पल को दांत से खाना, वो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन आज कहते हैं जरा देख लेना नाखून लगा के, हाँ कहीं कोई उस पर वैक्स, कोई उस पर पर्त तो नहीं। आज हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो आप ही लोगों से सुनते हैं कि भाई 3 घंटे उसको गर्म पानी में, नमक में डालो, उसके बाद उन सब्जियों को यूज़ करो, नहीं तो उसमें जो केमिकल हैं वो बहुत घातक हैं। फुर्सत ही नहीं है, हमारे घर में गृहिणियाँ भी चूँकि जॉब कर रही हैं तो उन्हें भी फुर्सत नहीं है। नौकर को तो चिंता क्या लगी हमारी कि वो हमारे लिए गर्म पानी और नमक में डालेगा, फटाफट काटा पीटा, फटाफट डाल दिया, भोजन तैयार है, खा लीजिए। तो ये जो हमारे अंदर घूम फिर के चीज़ें आ रही हैं और हमको बर्बाद कर रही, क्या करें हम इसके लिए, ये भी एक टेंशन है कि हमको वो भोजन नहीं मिल रहा, हमको वो पर्यावरण नहीं मिल रहा है जिसमें कि लोग प्राणायाम करते थे,
या लंबी सांसें खींचते थे। स्वास्थ्य तो हम सब चाहते हैं लेकिन कुछ कहीं हो नहीं पा रहा है, क्या करें। आखिर तो अध्यात्म की शरण लेनी पड़ती है कि अध्यात्म एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन में मंजुल समन्वय कर दे। आपने देखा होगा यहाँ दो तीन दिन से बहुत कुछ लोग बता रहे होंगे, और सहज कहूँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस तत्वाधान में जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं, तो हमको ये नहीं कहा जाता कि तुम जंगल चले जाओ, कॉपीन लगा लो, बस बैठ जाओ, शिव बाबा करो, ऐसा नहीं है, है ना। और ये भी नहीं है कि इतने भौतिक हो जाओ कि रात दिन पैसा 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 कमाओ, उससे भी जीवन दुखी है, और जंगल में चले जाओगे तो उससे भी दुखी है। क्योंकि जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, यदि वो कष्ट पाएंगे, हमारे बच्चे कष्ट पाएंगे, तो भला कहाँ हम सुकून पाएंगे जंगल में जाके। तो यहाँ जो सिखाते हैं वो मंजुल समन्वय सिखाते हैं, मंजुल समन्वय आध्यात्म भी और भौतिक भी। आप जीवन दिल से जिए, अच्छी तरह जिए, न इतने भौतिक हो जाएं कि सब कुछ जीवन में पैसा हो जाए, न इतने आध्यात्मिक हो जाएं कि हमारे घर में परेशानी पैदा हो जाए। क्या करें, थोड़ा बैलेंस। इसके लिए हम अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें, और अगर हम संतुलन लाने में कामयाब हो गए तो क्या बात है, हमारे जीवन में हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर से ही निकल आएगा। अभी जो आपको मॉर्निंग लेसन्स में आत्मा की चर्चा हुई होगी, परम चैतन्य सत्ता साधक की, साध्य की चर्चा हुई होगी, और साधन संभवतः कल बताया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो योग आप यहाँ सीखेंगे वो कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर स्थान चाहिए, पर्टिकुलर वो कुछ साधन चाहिए, वहाँ वो लगाना ज़रूरी है, नहीं। जिस तरह हम अपने लौकिक में याद करते हैं उस तरह पारलौकिक को भी याद कर सकते हैं। और रही बात बैलेंस की जो मैं कह रही थी, मैं आपको बताऊँ इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। राजकुमार श्रोण ये बिहार में हुए हैं और बौद्ध मत के अनुयायी हुए। इन्होंने जीवन में बहुत सारी अयाशियाँ देखी, इतनी देखी कि ये महिलाएं माने लड़कियां खड़ी होती थी उनके कंधे पे हाथ रख के ऊपर चढ़ते थे, चढ़ना हो तो कोई इन्होंने मार्ग छोड़ा नहीं अपने जीवन में सुख सुविधाओं का। जब पूरा हो गया तो ये मानव जीवन की एक गणित है, केमिस्ट्री कहें, कि पीक तक जाता है, सब देख लिया उसने, वापस रिटर्न, घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, वापस रिटर्न होता है, फिर पीक तक जाता है। तो उसने कहा ये ठीक नहीं, मैंने देख लिया इसमें जीवन नहीं है, सब वैभव देख लिए, अभी क्या करूं। बोला संन्यास ले लो। तो अतिशय सुख और अतिशय दुख, बोला बैराग चलो, उधर चले गए और उन्होंने वहाँ संन्यास ले लिया। तो जब लोग अच्छा छांव में जाते थे तो वो धूप में निकलते थे, जब लोग पक्के रास्ते से चलते थे तो वो खड़बड़ वाला रास्ता उसको चुनते थे, लोग दो टाइम भिक्षाटन में भोजन करते थे वो एक टाइम, आखिर शरीर है कब तक जाती झेलेगा, अस्वस्थ हो गए। तो लोगों ने कहा भंते महात्मा बुद्ध से कि तथागत राजकुमार श्रोण को मिल लीजिए, लगता है कि वो कुछ दिन में चले जाएंगे। तो राजकुमार श्रोण से मिलने के लिए महात्मा बुद्ध पहुँचे, देखा उन्होंने बड़ी छीण काया और बिस्तर पे लगे हुए, तो कहा श्रोण मैंने सुना था कि तुम वीणा बजाना जानते हो। बोला जी बजाना तो जानता हूँ। बोला कैसे अच्छी आवाज़ निकलेगी वीणा से, कैसे अच्छे स्वर निकलेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि उसको तारों को
संपर लेना होगा। तो बोले अगर ज़्यादा टाइट हो, बोला नहीं कुछ नहीं होगा। बोला लूज हो तो? बोला तो भी कुछ नहीं होगा। बोला श्रवण तुम वीणा बजाना जानते थे मगर तुमने जीवन की वीणा बजाना नहीं सीखी। पहले तुमने जिंदगी के तार इतने ढीले कर दिए थे कि कोई आवाज़ नहीं आई और आज तुमने इतने टाइट कर दिए हैं कि इनसे टूटने का भय हो गया। जीवन भी एक वीणा है, इसे संपर ले चलो, संतुलन पे ले चलो। हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की कमी ये है कि हम या तो एकदम से भौतिक में चले जाते या एकदम से आध्यात्म में, नहीं समन्वय हो ना, और समन्वय होगा तो बहुत कुछ होगा। समन्वय होगा तो हमारे जीवन में सहजता होगी, हम बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे जो कुछ भी हो रहा है। निस्संदेह है आपके हाथ में हमारा जीवन है, हम आपके यहाँ एडमिट हैं। कुछ गोलियाँ, कुछ इंजेक्शन, कुछ ऑपरेशन, कुछ है जिसके द्वारा आप हमें पुनः जीवित कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हमारा कार्मिक अकाउंट पिछला कुछ ऐसा है कि हमको इस बीमारी के माध्यम से इस वस्त्र को उतारना ही है, क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे आप? कहेंगे हमने सब कुछ किया बट वेरी सॉरी ये नहीं बचा। हाँ, आप पेशेंट के घर वालों से कहते हैं बॉडी ले जाओ, जब अंदर लाते हैं तो कहते हैं पेशेंट ले आओ, उसके बाद कहते हैं बॉडी ले जाओ। तो एक्चुअली ये बॉडी जिसके बिना हमने कहा ले जाओ, हम भी नहीं रख सकते और ले जाने वाले भी नहीं रख सकते। तो समझना ये है कि अगर उसका कोई हिसाब किताब है आत्मा का, और कुछ है ऐसा अदृश्य जिसके चलाए दुनिया चल रही है, ये मानते हैं। वर्कशॉप में कोई गाड़ी जाती है तो कभी भी कारीगर ये नहीं कहता है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, देखता हूँ, करता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं, वो कहता है नहीं, दो दिन लगेगा, इसका ये ख़राब है, मैं ठीक करके आपको दे दूँगा। मगर डॉक्टर कभी नहीं कहता, डॉक्टर कहता है ठीक है लाए हो, मैं ट्राई करता हूँ, भगवान पर भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे वो मैकेनिक है वैसे आप मैकेनिक, खोल डालिए, देखिए क्या है, किस पुर्जे में कहाँ क्या है, चेंज कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। लेकिन नहीं हो पाता बहुत बार, कारण तो हमें भी मालूम है कि कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। न चाहते हुए भी हमारा डिवोशन होता है उधर, न चाहते हुए भी। मैंने देखा है हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है नाजरेत, बाय द वे ऑपरेशन के लिए जाना था, डॉक्टर साहब बहुत इजी थे, बहुत अच्छे टर्म्स थे, उन्होंने कहा दीदी आइए देखिए ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं। तो मैं खड़ी हुई तो उन लोगों ने सब गाउन वगैरह पहन लिया था, लेकिन उसके पहले पूरे स्टाफ ने खड़े होकर प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद वो उसमें ओटी में घुसे। तो चिकित्सक भी भगवान से अर्जी लगा के तब घुसता है कि मैं हाथ डाल तो रहा हूँ, प्रभु तुम ध्यान रखना। तो इसके पीछे कोई सत्ता है जो संपूर्ण संसार का संचालन कर रही है। और अगर बहुत मैथमेटिक की बात करें तो हम सब के पीछे कर्मों का अथाह भंडार है। हमारे पीछे कार्मिक अकाउंट है, हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से जुड़ी हुई है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि हम और आप जहाँ जन्म लेते हैं उसके पहले वो सारे सब कुछ तय हो जाता है। एक ही दिन में तो बच्चे जन्म लेते हैं, आप देखिए किसी बच्चे की माँ के आंचल में भी चार गांठ कपड़े में लगी है,
वो दूध तक मुहैया नहीं करा सकती है, लेकिन किसी के गोल्डन स्पून इन द माउथ, पैदा होते ही चार गाड़ियाँ हैं, चार नौकर हैं, क्या बात है, क्या वजह है, तो निश्चित है कि उसके पीछे उसका कार्मिक अकाउंट है। उसने पीछे इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आज पैदा होते ही उसके पास सब कुछ है, और उसके अकाउंट कुछ गड़बड़ हैं कि पैदा होने के बाद दूध भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो हम सब के पीछे हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कहते हैं उस परमात्मा पर भरोसा रखो, हम तो करेंगे ही। कभी कभी अगर डबल डॉक्टर होते हैं, माना जिनके जीवन में आध्यात्म भी होता है, तो वो उसके साथ साथ और भी कुछ समझा देते हैं, भाई ये कुछ लेके आया है, अब इसके कर्मों का हिसाब किताब कैसा है, हम क्या बता सकते हैं, हम करेंगे निश्चित है, लेकिन देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। हर घटना क्रम को, कोई भी बात होती है तो कोई कहता है बहुत बड़ी घटना है, इसको कैसे फेस करें, परिवार में दूसरा कहता है अरे क्या बात है, यह आता है जाता है, क्यों परेशान हो, अपनी माँ के पास बैठते हैं, दादी के पास बैठते हैं, तो वो कोई किस्सा सुना के समझा देती है, अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे करके निकल जाओ, बड़ी छोटी सी बात है, इतना क्यों नुकसान, इतना क्यों घबरा रहे हो। तो बड़े बूढ़ों का साथ जब हम पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो बहुत बड़ी घटना को छोटा कर देते, बहुत प्यार से हमें कोई पुराना हमारे ही बाबा जी का दादी जी का उदाहरण देके हमें समझा देते हैं, कोई पूर्वाग्रह मत रखो, हम लोगों के सामने भी आया था, सबके सामने आता है, इतना क्या सोचने का, हमारा मन हल्का हो जाता है, सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल ले जाऊंगा, और हम सोचना शुरू कर देते हैं। इवन देन हमारे यहाँ शायद आपकी मुलाकात हो भ्राता निर्वैर जी, ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और बहुत हल्के बहुत हल्के बहुत सारा वर्कलोड होने के बाद भी, तो हम लोग ऐसे ही बैठते थे, खाली होते थे ऊपर पांडव भवन में, कुछ चर्चाएं होती थी, कुछ कविताएं होती थी, उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, संभवतः ये ले जाएंगे कल आपको दिखाने। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब ये होता कैसे, बहुत हंसे, बोले बहन जब सब मुझे मना कर देते हैं ना, सबसे पहले सुनता हूँ क्या होगा, इंजीनियर्स की लॉबी पूरी लगी हुई, 30-40 इंजीनियर ज्ञान सरोवर का निर्माण कर रहे थे, और चर्चा ये थी कि इसमें एक भी पेड़ नहीं कटेगा, पहाड़ियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, बिल्डिंग बननी ही बननी है, कैसे बनेगी। तो कहा ये तो मुश्किल है साहब, आप काम भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं, कैसे होगा। बोला नहीं बुद्धि लगाओ, बोला नहीं हो सकता, सबने एक बार मना कर दिया, थोड़ी देर सब शांत हो गए। बोले उसके बाद मैंने कहा भाई बनना तो है ही, जरा कुछ और सोचो, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रैक चेंज हुआ, जो सब निगेटिविटी लेके बैठे हुए थे कि नहीं हो सकता, बोले नहीं हो सकता है, अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो ये हो सकता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दें ये हो सकता है, और आप जाकर वहाँ देखिएगा कि उन्होंने उस भूमि को कैसे निर्माण किया। बंजर भूमि थी, आज हमारी इंजीनियर्स विंग ने वहाँ 6,000 पौधे लगाए, थोड़े बहुत नहीं, बिल्डिंगें बनी हैं, पहाड़ी नहीं तोड़ी गई, पेड़ नहीं हटाए गए हैं। तो बोले मैं पहले उनकी सुन लेता हूँ और उसके बाद उन्हें समझाता हूँ कि भाई दादी जी कह रही हैं होना तो है ही, कुछ तो करो, कुछ तो करो। एकेडमी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर के 11 हॉल बने हैं, और वहाँ वाशरूम नहीं था एक भी। बोला वहाँ क्या ज़रूरत है वाशरूम की, और दादी ने कहा नहीं निर्वैर भाई ये तो बन नहीं है, चला चिंतन उनका, और उन्होंने उनको सबको पॉजिटिवली मोड़ दे दिया, नज़रिया बदला, नकारात्मक स्थिति हाँ में आ गई, और एक इंजीनियर ने बोला मैं ये कर सकता हूँ, दूसरे ने कहा हाँ ये हो तो सकता है, तीसरे ने कहा हाँ ऐसे हो जाएगा, बात बदल गई, चीज़ तैयार हो गई, क्योंकि वो खुद बड़े पॉजिटिव हैं।
तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव कर लेता है। हमको भी अपने नज़रिए को बदलना होगा। संसार नहीं बदलेगा। देखिए, जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर कुछ करे और चाहे WHO कुछ करे, चर्चाएं होती हैं, हम अपनी सुविधाओं से समझौता नहीं करते। 10 सेकंड के अंदर 2000 टन फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर हम 2000 मतलब क्या कहें, कार्बन छोड़ देते हैं फ्यूल कंज्यूम करके। 70 एकड़ जंगल कट जाता है 10 मिनट में। अगर काटने वाले से कहिए तो कहेगा, अरे हमको तो एक ही दरवाज़ा, 4 दरवाजे चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 विंडो। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इतनी लकड़ी तो चाहिए, क्या करें। एक व्यक्ति अपने व्यवहार में वो 2 दरवाजे 2 खिड़की या 4 दरवाजे 2 खिड़की के लिए काटना चाहता है, लेकिन 10 मिनट में 70 एकड़ जंगल कट जाता है। हम एक यहाँ हैं, एक वहाँ है, एक कहीं और है, ऐसे इस एक एक इकाई की न जाने कितनी डिमांड है। अब जब कुछ होता है और ये जंगल में रहने वाले जिनके हम घर उजाड़ देते हैं, हमारे घरों की ओर रुख करते हैं, सुनते हैं ना अखबारों में, वहाँ शेर आया, यहाँ ये हो गया, वहाँ तेंदुआ आया। अरे बस्ती में तेंदुआ तो कभी नहीं आता था, अरे जब घर ही उजाड़ दोगे तो कहीं तो जाएगा। जब हम खुद इतना कार्बन निकाल रहे हैं तो कहाँ से ऑक्सीजन पाएंगे। कोरोना काल में आपने देखा कि एक एक सिलेंडर मुहैया कराना मुश्किल था। ये प्रकृति जो हमको इतना सारा ऑक्सीजन देती है, हम इसके शुक्रगुजार नहीं होते। लेकिन कोरोना काल में महसूस हुआ कि नहीं, पेड़ भी लगाने चाहिए। तो ये दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया उसी तरह सब कुछ कर रही है, हमको बदलना पड़ेगा। हमको अपने जीवन का मार्ग निश्चित करना पड़ेगा। हमको अपने टेंशन को दूर करने के लिए परिस्थितियों को संतुलन में लाना होगा। तो जब हम अपने नज़रिए को चेंज करते हैं तो हमारे अंदर खुशियाँ आना शुरू होती हैं। रास्ता हम ही खोलते हैं, दूसरा कोई नहीं खोलता है। और जब हम रास्ते खोलते हैं, क्योंकि बात कभी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातों से हम दुखी होते हैं। एक सज्जन जा रहे थे, बहुत कोशिश की गई कि ये ठीक हो, कुछ हो, भाई बात क्या है, तो कुछ बोल रहे थे। पत्नी ने कहा, आप ही जाके देखो, ये तो संभल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो स्वामी जी गए, उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ है। बोले, अरे कुछ नहीं हुआ, इतना ज़िंदगी भर मैंने पैसा कमाया, आज जा रहा हूँ, ये कोई मेरे पास नहीं आते, और मैंने अपनी औलादों के लिए क्या नहीं किया, कभी इनको साइकिल से रिक्शे से नहीं भेजा, गाड़ियों से भेजा, इनके लिए स्विमिंग टैंक दिया, इनके लिए अच्छे से अच्छा क्लब दिया, अच्छे से अच्छा कॉलेज दिया, और आज ये है कि मेरे पास 2 मिनट बैठ नहीं सकते। तो स्वामी जी ने पूछा कि महाराज, आपने समय कितना दिया था। तो सब कुछ दिया, ट्यूशन दिया, ट्यूटर दिया, कोचिंग दी, क्लब दिए, गाड़ियाँ दी, लेकिन समय नहीं दिया। बोले, समय कहाँ से देता, बिजनेस इतना फैला हुआ था। तो वास्तव में जो चाहिए देना वो हम नहीं दे पा रहे, हम खुद को नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, सुबह भी क्लिनिक है, शाम भी क्लिनिक है, यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, अपने लिए कब समय निकालेंगे। मैं तो आपको बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कैसे आप लोग इतना समय निकाल कर यहाँ आए। समाज का हर वर्ग खड़ा हो सकता है, लेकिन चिकित्सक बहुत बिजी होता है, फिर भी आप लोग आए। और इट इज़ वेरी ट्रू कि कुछ समय आपको अपने लिए निकालना चाहिए, और जब आप अपने लिए निकालेंगे तो एक अनोखी यात्रा, एक अनोखी जर्नी
हम यहाँ सीख रहे हैं, इसको यहीं मत छोड़ जाइएगा। जो मेडिटेशन आप सीख रहे हैं उसको यहीं मत छोड़ जाइएगा, क्योंकि ये अंतर जगत की यात्रा जो आपको सिखला रहे हैं, इसको करना अगर सीख जाएंगे तो सबसे बड़ी बात, जिस मन की शिकायत करते हैं, जिस भटकाव को, जिस टेंशन को हमारा मन झेलता है, झेलता तो मन ही है ना, बॉडी पर तो बाद में असर होता है, उस मन को नियंत्रण करना आ जाएगा। और जब मन को नियंत्रण करना आ जाएगा, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। तो अभी हम चलें कुछ देर, हम ये देखें सचमुच कि जगत नियंता के पास अथाह खजाने, अगर वो पाठ आज हो गया, सुबह हो गया होगा ना, परमात्मा का पाठ हो गया, अभी परमात्मा का पाठ नहीं हुआ, किस तरीके से वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। हम खुद कहते आए हैं, तुम्हें हो मातृश्च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रवणम तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। लेकिन ये शब्द केवल यहाँ से, हाँ क्षमा कीजिएगा, केवल यहाँ से निकले, यहाँ नहीं गए। अगर हृदय में गए होते तो हमने कभी तो सोचा होता कि दुनिया में जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं, जहाँ हमारे संबंध हैं, माँ माँ है, बहन बहन है, भाई भाई है, भाभी भाभी है, अरे यहाँ क्या चक्कर है। तुम्हें हो मातृश्च पिता तुम्हें हो, माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, हाँ तुम्हें हो विद्या द्रवणम तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम सब कुछ हो मेरे, कैसे हो। ऊपर गया होता तो विवेक चला होता। हम निकलते हैं जल्दी जल्दी, पानी डालते हैं और बोलते जाते हैं, मंदिर के आगे से निकलते हैं, सर झुकाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर वास्तव में परिचय होता, वास्तव में संबंध होते, वास्तव में स्नेह होता, हृदय के तंतु कहीं जुड़े होते हैं, तो कहते भगवान जी इतनी गर्मी में बिना एसी के कहाँ बैठे हो। दो मिनट रुकते, गाड़ी रोकते, दो मिनट अंदर जाके देखते हैं, नहीं, सर झुकाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये केवल गले तक के संबंध हैं, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। और आज चलिए हम अभी संबंध और परिचय आपको मिलता रहेगा, लेकिन केवल इस आधार पर कि वो सर्वशक्तिवान हमारे साथ है और वो दरिया है पाकीजगी का, वो दरिया है प्रेम का, वो दरिया है आनंद का। आइए कुछ क्षण उसके साथ गुजारें, थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि से, इस स्थान से, इस परिवेश से, इस परिधान से अलग हटकर हम अपने उस मूल रूप की ओर बढ़ें जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जो आत्मा है, और उस चेतना के साथ परम चेतना को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको कुछ संकल्प देते जाएंगे, आप सोचेंगे संकल्प देने की क्या बात है, इसलिए मन है ही संकल्प शक्ति का नाम, और इसको संकल्प उठाने की आदत। ये बाज नहीं आता है, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन कोई थोड़ी देर में कटक घुमाएगा, कोई जो है ब्रह्मपुर घुमाएगा, कोई पुरी घुमाएगा, मन कहीं भी जा सकता है और ये भागता ही रहता है। जब गीता में कहा था योगीराज कृष्ण ने कि हे अर्जुन, सर्वधर्मानि परतज्यम माम एकम शरणम ब्रज, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के यही कहा था, प्रभु ये वायुगतिगामी है, हाँ, और आप कह रहे हो कि इसको मुझ में लगा लो, अरे इतना आसान है, इसको एकाग्र करके आप में लगा लेना। तो ठीक है कि वो इतना आसान नहीं, लेकिन अगर नहीं लग सकता तो फिर वो जो मोहासक्त हो रहे थे, अवसादग्रस्त हो रहे थे, उनका मोह नष्ट कैसे होता। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी
माम नमस्करो, ये गीता में 18वें अध्याय 20 जगह कहा है। तो उस मन को हम चाहते हैं जड़ कर दें। अरे क्यों भला, हमारी जिन इंद्रियों का जो कार्य है वो कर रही है ना, हाथ अपना कर रहे हैं, पैर अपना कर रहे हैं, कान अपना कर रहे हैं, नाक मुंह अपना कर रहा है, तो मन जो कार्य करना उसने करना ही है ना। बस ये कर सकते हैं कि मन को उस व्यर्थ की ओर न जाने दें, अच्छा कुछ दें, हेल्दी दें। जैसे आप कहते हो ना भाई, भोजन छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है, आप हेल्दी लीजिए ना, आप रिच डाइट लीजिए ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से हम अपने मन को पॉजिटिव, अच्छे, दृढ़ संकल्प दें, और ऐसे संकल्प दें मन उसका अनुगमन करे। हम आपको कुछ संकल्प देंगे, थोड़ी देर के लिए आप इस संसार से जुदा होकर हमारे साथ साथ चलिए, उनको थोड़ा रिवाइज करते चलिएगा मेरे साथ साथ। देखने वाली कानों द्वारा सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति हो, प्रकृति के बीच में मुझ आत्मा का निवास स्थान है। ये शरीर मेरा वस्त्र है, इस मन और बुद्धि से शरीर से न्यारे होकर आइए चले आवाज की दुनिया से पार, नीले आकाश के भी पार, उस अखंड ज्योतिर्मय तत्व की ओर जिसे हम परम धाम के नाम से
जानते आए हैं। मुझ आत्मा का असली घर है। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा शांति की लहरों में लहरा रही हूं। मैं यहां अपने जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए पारलौकिक पिता से मिलन मनाने आई। वो जगत नियंता परम चैतन्य सत्ता है। ज्योति पुंज स्वरूप है। उस परम सत्ता से आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कितना आनंद है। मेरा पारलौकिक पिता प्रेम का सागर है। उसके सामीप्य में मैं आत्मा
प्रेम का अनुभव कर रही हूं। मुझे अनुभव हो रहा है परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है, ऐसे कल्याणकारी सच्चिदानंद के साथ मैं आत्मा भी कल्याण के भावों से संपन्न होती जा रही है। जिस शांति का मैं अनुभव कर रही हूं ये मुझे आत्मा का निज धर्म है। ये असीम शांति मेरी अपनी संपत्ति है। आइए वापस उस सृष्टि मंच की ओर चलें। शरीर रूपी वस्त्र को धारण करें, रंगमंच पर कर्तव्य के लिए प्रस्तुत हो। ओम शांति शांति शांति।